हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमरीश एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमरीश। और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जिस टॉपिक पे हम लोग कल बात कर रहे थे। उससे पहले मैं सबसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि जो चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल्स, एंड जो वीडियो है आपको पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर करना ज़रूर ना भूलें, ठीक है। तो कल तक हमने 10 किए थे और आज भी 10 हम करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक, सबसे पहला जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो है अ पर्सन हु अपोजेज अनदर। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो अपोजेज करता है, यानी कि अपोज करता है, यहाँ पे विरोध करता है। क्या करता है? अपोज मीन्स हमेशा विरोध में खड़ा रहता है। और विरोध जो करने वाला व्यक्ति होता है वो निश्चित तौर से या तो विरोधी होता है या दुश्मन होता है, ठीक है, या शत्रु जिसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है, शत्रु जिसको बोलते हैं, वो हमारा हुआ एंटागोनिस्ट। क्या होता है? एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है। और एंटागोनिस्ट को हम विरोधी भी बोल देते हैं, प्रतिद्वंदी भी बोल देते हैं, ठीक है, जो भी चाहें वो भी आप बोल सकते हैं, प्रतिद्वंदी। नेक्स्ट, अगला है हमारा ए प्लेस वेयर द वेयर वीज आर केप्ट, जहां पर क्या किया जाता है, मधुमक्खियों को पालन किया जाता है। तो जहाँ पे मधुमक्खियों का पालन होता है वो होती है अपियरी, ए पी आई ए आर बाई, अपियर। अपियरी मतलब मधुमक्खी शाला, जहाँ पे मधुमक्खी का पालन होता है वो मधुमक्खी शाला, मधुमक्खी साला, यहाँ पे इसका मधुमक्खी का पालन होता है। नेक्स्ट है हमारा वन हु एवर्नन्स, जो क्या कर देता है, तोड़ देता है, समाप्त कर देता है वंस फेथ, जो किसी के व्यक्ति, किसी व्यक्ति के फेथ को क्या कर देता है, तोड़ देता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विश्वासघाती। क्या कहलाता है? विश्वासघाती, अपोस्टेट, अपोस्टेट, ए पी यू एस टी ए टी ए, अपोस्टेट। अपोस्टेट मीन्स कहलाता है विश्वासघाती, विश्वासघाती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट, एक ऐसा स्थान जहाँ पे या तो सरकार के या फिर जो सरकारी दफ्तर हैं उनके या फिर जनता के जो रिकॉर्ड्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स, अभिलेख, क्या होते हैं, अभिलेख, रिकॉर्ड्स हैं तो अभिलेखों का हो जाएगा, अभिलेखों को क्या किया जाता है, आर केप्ट, जिनको रखा जाता है। तो जहाँ पे जनता या सरकार के जो अभिलेख हैं उनको रखा जाता है तो वो होते हैं हमारे आर्काइव, ए आर सी एच आई वी ई, आर्काइव। और ये होता है लेखागार, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाई नोबल्स, सभ्य व्यक्तियों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, ए आर अरिस्टोक्रेसी, सॉरी अरिस्टोक्रेसी, क्या बोलते हैं, अरिस्टोक्रेसी, सुशासन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और अगला, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जिसको भगवान में विश्वास नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नास्तिक।
तो वो क्या होता है, एथिस्ट, ए टी एच ई आई एस टी, एथिस्ट क्या होता है, नास्तिक। ठीक, और उसके बाद गवर्नमेंट बाय वन। अभी हम गवर्नमेंट की दो बात पढ़ चुके हैं, एक गवर्नमेंट जो नोबल्स के द्वारा चलाई जाती है वो होती है हमारी अरिस्टोक्रेसी, जो गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती है वो होती है ऑटोक्रेसी, जिसको बोलते हैं क्या होता है, ऑटोक्रेसी, ए यू टी ओ सी आर ए सी वाई, ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही, तानाशाही। ए लवर ऑफ बुक्स, किताबों, किताबें जिसको सबसे ज़्यादा प्रिय होती हैं वो क्या कहलाता है हमारा, बिब्लियोग्राफ, बिब्लियोफाइल, वी आई बी एल आई ओ पी एच आई एल ए, बिब्लियोफाइल, इसको बोलते हैं किताबों का प्रेमी, क्या होता है ये, किताबों का प्रेमी। दूसरा, नेशंस इंगेज्ड इन वार, ऐसे राष्ट्र जो वॉर में इंगेज रहते हैं यानी कि युद्ध में इंगेज रहते हैं उनको बोलते हैं बेलिग्नेरेट्स, बी ई डबल एल आई जी ई एन ई आर ए टी ई एस, बेलिग्नेट्स, ये होते हैं युद्ध प्रिय, क्या होते हैं, युद्ध प्रिय, जिनको युद्ध प्रिय होता है देशों को उनको ये बोलते हैं। वन हु इज अनेबल टू रीपे डेट, जो अपने कर्जे को चुकाने में असमर्थ होता है वो क्या कहलाता है, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट, और इसको हम बोलते हैं दिवालिया, दिवालिया। ठीक है, ये आज के 10 हैं और इसके आगे के हम कल डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।